नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको जो हमारे एसिड होते हैं जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या कह लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी एसिड होते हैं उनको आज मैं आपको न्यूट्रल करना सिखाऊंगा। बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ी ही आसानी से आप इसे न्यूट्रल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल किए हुए एसिड में अगर कोई भी चीज़ पकाते हो, खास करके सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वो बहुत ही अच्छे से कायम और जारी निकलती है, ऐसा कहा गया है। तो चलिए आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इसको न्यूट्रल करके भी देखेंगे कि ये न्यूट्रल होता है या नहीं। और वैसे तो हो ही जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली रिएक्शन करके ना एसिड को जो है न्यूट्रल कर ही देती है। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और बोल रहे हैं कुछ लोग कि वो जो मेटल बनाया था हमने लास्ट टाइम, वो उसका वीडियो क्यों नहीं डाला, काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं उस वीडियो का, तो बहुत ही जल्द डालेंगे क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें पेंडिंग है। तो अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो इसीलिए दिक्कत आ रही है, समझा करो। कुछ लोग तो यार, एक जना तो मेरे मतलब मैंने पीछे ग्रुप बनाया था कि उसको नंबर मिल गया, पता नहीं कहाँ से तो उसने आके मेरे को गाली बकरा है वीडियो में, आप लोगों को ऐसा उल्लू बनाते हो, चूतिया बना, मतलब बहुत बुरी बुरी गालियाँ बकरा था। और एक ऐप आता है जिससे कि एक डुप्लीकेट नंबर, फेक नंबर प्लस वन की सीरीज से स्टार्ट होते थे शायद वो, तो उसने मेरे को गाली उली बकना चालू कर दिया। मैंने बोला यार तू है कौन, क्यों मेरे पीछे पड़ गया, मतलब बोल रहा है तेरा चैनल बंद करवा दूंगा ऐसा वैसा। मैंने बोला तू भोक मत भाई, सिर्फ करके बता, मतलब करके बता, भोकने वाले बहुत देखे, करने वाले बहुत कम मिलते हैं। और डुप्लीकेट नंबर जैसे कि प्लस कोई भी कंट्री का अलग नंबर जो ऐप वगैरह आते हैं ना उससे, मतलब उसे मेरे को आके परेशान कर रहा है। मैंने बोला भाई तू ये जो अभी कर रहा है, हम ये 2006-07 में करके बैठे हैं, हम तो ये जस्ट फॉर फन करते हैं, फ्रेंड के साथ करते थे, अब तू तो लोगों को परेशान कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर पता नहीं उसका रिप्लाई नहीं आया। खैर छोड़ो, ये तो बातें चलती रहती है, कोई बात नहीं है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को जलन भी होती है, ऐसे भी लोगों की ज़रूरत होती है दुनिया में, सभी भले रोग लेंगे तो फिर ये तो अलग से तो सतयुग कहलाएगा फिर, है ना, क्योंकि ये तो कलयुग है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वैसे कई चीज़ें हैं जिससे हम एसिड को न्यूट्रल कर सकते हैं, उनमें से एक है ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तो इससे भी काम चल जाएगा। आगे और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये हमारा बेकिंग सोडा मतलब मेटा सोडा, ये मेटाबाइस सल्फाइड, और ये चूना है। और एग्जांपल के लिए अभी हम
अब हम यही चीज़ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। ये बहुत ही डेंजर एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, हाथ को लग जाएंगे। अभी तो आदत हो गई, हाथ को लगने से इतना उतना कुछ नहीं होता है। केयरफुली आप करेंगे तो केयरफुली कीजिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ख़तरनाक होता है। अभी थोड़ा सा इसमें हम इस बीकर में डाल देते हैं ये, और ये बहुत ही तेज़ एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ बहुत ही बुरी तरह रिएक्ट करता है। अब हम इसमें सबसे पहले ये चम्मच लेंगे और इसको बाजू में कर देते हैं। ये दोरा इसका जो कलर है ना नाइट्रिक एसिड का पीला हो गया, तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, तो इसमें भी वही रिएक्शन होगा। बेसिकली कोई भी एसिड को इसी तरह न्यूट्रल किया जा सकता है। जब इसमें आप इसको रख देंगे ना ये बेकिंग सोडा या चूना डाल के या मेटाबाइट सल्फाइड डाल के, तो इसको लगभग 24 घंटे या 12 घंटे बाद देखेंगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, इसकी पावर पूरी ख़त्म हो जाएगी। और बाद में इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड में कोई यदि चीज़ पकाते हैं तो वो अच्छे से कायम हो जाती है, जारी भी रहती है वो। ठीक है, चूना भी डाल के देखते हैं, मेटाबाइट सल्फाइड भी डाल के देखते हैं। सभी चीज़ें एक ही काम करती है, सिर्फ थोड़ा रेशियो इनका कम ज़्यादा होता है ना, तो थोड़ा कम ज़्यादा रिएक्शन होता है। अभी ये जो बीकर है ना बहुत ही गर्म हो चुके हैं। अब आप अगर यदि कोई एसिड न्यूट्रल करते हैं तो इसी तरह कीजिए। और यही एक छोटी सी जानकारी थी, क्योंकि कई लोगों को एसिड न्यूट्रल करना भी पता नहीं होता है, तो मुझे लगा चलो आज इसी को बता देते हैं। तो ये अभी देखिए इसमें अभी भी रिएक्शन हो रहा है, ये कल तक पूरा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर उसका आंसर करेंगे। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जो हमने मेटल बनाया था उसका वीडियो डालो, डालेंगे बहुत ही जल्द डालेंगे, क्योंकि उसको टाइम लगेगा थोड़ा बनाने के लिए, काफ़ी समय लगता है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि सब प्रैक्टिकल करके बताता हूँ मैं आपको, न कि सिर्फ बोल के बताता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।